किरण राव से तलाक फातिमा संग अफेयर के चर्चे, पहली बार आमिर खान ने बताया सच। आमिर खान आज अपना 57वां बर्थडे मना रहे। इस मौके पर आमिर खान ने अपने रिश्ते को लेकर के बात की, साथ ही उन्होंने खुद के अफेयर को लेकर के चल रही अफवाहों को भी क्लियर किया। आमिर खान ने बताया कि उनकी दोनों शादियां क्यों टूटी और क्या इनके टूटने के पीछे किसी तीसरे का आना था। आमिर खान ने साफ किया कि पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी टूटने की वजह किरण राव नहीं थी। आमिर ने कहा कि रीना से तलाक के समय उनकी जिंदगी में कोई नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस समय किरण राव को जानते जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती काफी समय के बाद हुई थी। अब किरण राव के साथ तलाक के बाद आमिर खान का नाम किसी और से जुड़ रहा है। अफवाह है कि एक्ट्रेस फातिमा शना शेख के लिए उन्होंने अपने 15 साल चल रही शादी को तोड़ा। अब आमिर खान ने इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया। इस पर आमिर खान ने कहा, नहीं, ना उस समय मेरी जिंदगी में कोई था और ना आज कोई है। जुलाई 2021 में आमिर खान और किरण राव ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऐलान किया था कि वो अलग हो रहे। दोनों ने कहा था कि वो अब पति पत्नी भले ही नहीं है, लेकिन हमेशा एक दूसरे का परिवार जरूर रहेंगे। स्टेटमेंट में लिखा था कि इन खूबसूरत 15 सालों के साथ हमने जिंदगी भर के एक्सपीरियंस, खुशी, हंसी शेयर किए और हमारा रिश्ता प्यार, इज्जत और विश्वास में आगे बढ़ाए। अब हम अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले अलग होने का प्लान किया और हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अलग होने के बाद भी साथ है, जैसे एक परिवार रहता है। आमिर खान और किरण राव के इस स्टेटमेंट के बाद अफवाहों की शुरुआत हो गई थी। कहा जाने लगा था कि एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ आमिर खान का अफेयर चल रहा है, इसी वजह से उन्होंने किरण संग अपनी शादी को खत्म किया। आमिर और फातिमा का नाम फिल्म दंगल के बाद से जोड़ा जा रहा था। इस बारे में फातिमा ने भी बात की थी और कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बिना जाने उनके बारे में अफवाह शुरू कर देते जिसका बुरा लगता है। हम सब की तरफ से आमिर खान को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।